हेलो एवरीवन, करते हैं प्रश्नावली 8.1, जिसका पहला क्वेश्चन है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। क्या दे रखा है? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर दे रखे हैं और उसको आपने क्या सिद्ध करके दिखाना है कि वो क्या आपकी एक आयत है। तो क्योंकि हमने आयत सिद्ध करके दिखाना है, इसलिए पहले फिगर ऐसी ही बना लेंगे जो आयत जैसी है, आयत ही बना लेंगे एक किस्म से। दे रखी समांतर चतुर्भुज, तो ये आपकी समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, ए बी सी डी, और ये विकर्ण है इसका ए सी और ये विकर्ण है बी डी, जो कि आपस में बराबर दे रखे हैं। ठीक है, हमने सिद्ध क्या करना है कि ये जो समांतर चतुर्भुज दे रखी है आपकी एक आयत है। पहले तो दिया है, दे क्या रखा है इसके अंदर, दिया है, क्या दे रखा, देखिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तथा विकर्ण ए सी बराबर किसके, बी डी है, ये दे रखा है। सिद्ध करना, उसके बाद आपने सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, ए बी सी डी एक आयत है, ए बी सी डी एक आयत है। वैसे आयत में और समांतर चतुर्भुज में समानता क्या होती है, आयत की भी सम्मुख भुजाएं समान होती हैं और समांतर चतुर्भुज की भी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। दोनों में एक बात ये तो कॉमन ही है, बस डिफरेंस क्या होता है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और अगर समांतर चतुर्भुज का एक कोण भी 90 डिग्री का होगा तो सारे कोण अपने आप उसके 90 डिग्री के हो जाते हैं। यानी कि हमारा टारगेट क्या रहेगा कि इस समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के किसी एक कोण को हम 90 डिग्री का सिद्ध कर देंगे, उसके बाद हमारा सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इसमें देखिए सॉल्यूशन में, हल में क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी ए डी में ए बी सी और बी ए डी, इन त्रिभुज में देखिए इसकी बी सी और इसके ए डी बराबर है, बी सी बराबर ए डी, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज दे रखी है तो इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो कारण क्या लिख देंगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सम्मुख भुजाएं समान होती है। एक बात तो ये भी ठीक है, फिर विकर्ण भी बराबर दे रखे हैं, तो ए बी सी का विकर्ण ए सी और इसका बी डी, इन त्रिभुजों के लिए तो भुजाएं हैं वैसे विकर्ण दे रखे हैं, ए सी बराबर बी डी, ये आपका दिया है, दे रखा है। ठीक भाई, और तीसरी बात क्या है, ये भुजा कॉमन होगी दोनों की, ए बी, ए बी सी की भी भुजा है और बी ए डी की भी, तो ए बी बराबर ए बी, ये आपकी क्या होगी, कॉमन होगी, उभयनिष्ठ होगी, उभयनिष्ठ। और अगर तीनों भुजाएं समान होगी त्रिभुजें क्या होगी आपकी, सर्वांग सम होगी, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, बी ए डी के। कारण क्या होगा, एस 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 भुजा 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 सर्वांग समता। ठीक भाई, अगर सर्वांग सम होगी तो सभी संगत अंक क्या होंगे, समान होंगे, इसलिए इसका तो ये कोण एक ए बी सी का और बी ए डी का कोण दो बराबर हो जाएंगे, ए बी सी का एक और बी ए डी का कोण दो, कोण एक बराबर किसके, कोण दो के। रीजन क्या, कारण इसका सर्वांगसम
त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। ठीक भाई, अब क्योंकि देखिए ये दोनों भुजाएं, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो ये दोनों भुजाएं समांतर हैं और ये भी समांतर हैं, तो ये दोनों भुजाएं समांतर हैं BC और AD, और AB क्या आपकी तिर्यक रेखा है। हमने जैसे पता है कि मान लीजिए ये कोई दो समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है, तो इस कोण का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कोण एक प्लस कोण दो कितना होता है, 180 डिग्री। अगर तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोणों का अगर योग करेंगे तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। पीछे थ्योरम दे रखी है, ये प्रमेय दे रखी है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये कह देंगे संपूरक होते हैं। तो यहाँ बता दिया मैंने, यहाँ सीधा लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या एक और दो बराबर होगी, और साथ में क्या लिख देते हैं, कोण एक प्लस दो बराबर 180 डिग्री। कोण एक जमा कोण दो बराबर कितना, 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे, अंत कोण संपूरक जिनका जोड़ 180 हो गए, अंत कोण संपूरक होते हैं। अब एक और दो बराबर हैं, एक और दो का जोड़ 180 है, इसका मतलब एक और दो दोनों कितने की होगी, 90-90 की होगी। ये दोनों बराबर भी होने चाहिए, जोड़ 180 होना चाहिए। एक और दो बराबर भी हो और जोड़ 180 हो, इसका मतलब ये भी 90 का, ये भी 90 का। तो चाहे सीधा लिख दें, बल्कि ये लिख देता हूँ एक, और इसको लिख देते हैं दो। समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से क्या हो जाएगा, कोण एक बराबर कोण दो बराबर कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री हो जाएगा। अब एक के सामने D है वो भी 90 हो जाएगा। ये देखिए एक 90 का हो गया, इसके सामने D वो भी 90 का हो जाएगा। क्यों, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, दो 90 का तो सामने वाला ये C ये भी 90 का हो जाएगा। वैसे इतना कुछ करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि क्या होता है ये नियम में होता है, क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज का अगर कोई एक कोण 90 का हो जाए तो सारे कोण ही 90 के हो जाते हैं भी, और वो समांतर चतुर्भुज आपकी क्या हो जाती है, आयत हो जाती है। एक एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो, हमने तो दो कर दिए, एक कोण समकोण हो आयत होता है, आयत होता है। इसलिए एबीसीडी एक आयत है, इसलिए एबीसीडी एक आयत है। इस ढंग से आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट।